हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक फाउंडेशन प्लान बनाने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले बार पर हम लोग क्या बना चुके थे, प्लान बना चुके थे, आज उसी प्लान का आज हम क्या करते हैं, फाउंडेशन प्लान करते हैं। फाउंडेशन प्लान आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने डायमेंशन करना सीख लिया है, ठीक है। क्योंकि फाउंडेशन प्लान में मैक्सिमम डायमेंशन का खेल है, आपको एक एक डायमेंशन को बहुत ही एकदम क्लियरली, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे देना पड़ता है। तो डायमेंशन हम सीख लिए हैं तो अपन अब फाउंडेशन तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टार ड्राइंग खोल लेते हैं। स्टार्ट ड्राइंग खोल लिए, आप चाहे तो अपना पुराना ड्राइंग खोल सकते हैं। प्लान वाले ड्राइंग का जो आउटर वॉल और इनर वॉल है, हमें उसकी ज़रूरत है। तो सपोज़ ये आपका क्या है, प्लान है, हम लोग जो पहले बना चुके हैं, आपको याद होगा। तो अगर आप वो इसको बना के नहीं देखे हो तो बना के दिखाइए ज़रूर, है ना। अभी तक नहीं दिखाया बहुत लोग। तो क्या इसमें करना क्या है, जितने भी लाइंस दिख रहे हैं ना आप लोगों को, जो भी वॉल की लाइन है, जितने भी वॉल वाली लाइन है, सबको आपको कॉपी करना है, ठीक है। ओरिजिनल तो रहने दो, अपन एक कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने से पहले हम लोग करते क्या है, इसे ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। ज्वाइन कर लेंगे तो आसान रहेगा हमारा बहुत। तो ज्वाइन करने के लिए सबको टच करते जाओ। नहीं, सिर्फ लाइन ज्वाइन होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ लाइन पकड़ो, लाइन टच होनी चाहिए, ओनली लाइन। लाइन के अलावा कुछ और टच नहीं करना है ना, एकदम क्लियरली ध्यान से धीरे धीरे करना, आराम से, ठीक है। अरे यार ये कटा नहीं है ना, इसको काटना पड़ेगा। ट्रिम करो एक बार दो बार, ये ट्रिम एक बार देख लेते हैं अच्छे तरीके से। सब तो बाकी सब तो सही तरह से कटा हुआ है, ठीक है। अब करते हैं फटाफट, मैं फटाफट कर रहा हूँ, आप लोग धीरे धीरे करना ना, क्योंकि मिस्टेक्स होते हैं बहुत सारे। धीरे धीरे करेंगे, आराम से करना, एक एक लाइन को सेलेक्ट करना है। अरे यार कोई बात नहीं, इसको ना, अच्छा तो डैश लाइन था, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डैश लाइन ज्वाइन होगी नहीं पता नहीं, देखते हैं लोग करके देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। सभी लाइन ना, सभी जितने भी लाइंस हैं आपके पास सबको सेलेक्ट करना है। हमको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। देखो ये छोटे से लाइन छूट रहा था यहाँ पे, वो भी आ गया। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं, बाकी ध्यान से करना। ये एक सेक्शन हो गया, इसको नहीं करेंगे, ये वाला अलग चैम्बर है, ठीक है, उसको अलग से करेंगे। इतना हो गया, इतना ज्वाइन करके देखते हैं, कहीं छोटा तो नहीं है, छोटा मोटा लाइन छूट जाता है। देखो ये छूट गया जैसे, है ना, ध्यान देना, इधर भी छूटा होगा। फिर ये और देखते हैं, और वैसा कॉर्नर पॉइंट ये है, ये छूटा है और ये भी छूटा है। सब पकड़ोगे ना, सब ज्वाइन करोगे, सबको टच करोगे, तभी ज्वाइन होगा सही तरीके से, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है ना। इसलिए तुम ध्यान से देखना कौन कौन सा लाइन हो गया, कौन कौन सा लाइन छूटा है। अब तो हो गया, सब ये छूटा है ना, एकदम बहुत ध्यान से देखना है। और ये भी छूटा है, बाप रे कितना ब्रेक किए थे लाइन को हम लोग, है ना। अब ठीक है, जैसे ये सब लाइन टच सेलेक्ट हो गया, JOIN ज्वाइन कमांड डालिए, एंटर दबाइए, ठीक है। अभी ये वाला अभी भी कुछ कुछ ज्वाइन नहीं हुआ है ना, अभी भी दिक्कतें आ रही है, ठीक है। क्यों दिक्कत आ रहा है, अच्छा इसको हम लोग को नहीं करना था, डैश लाइन को, ठीक है। तो डैश लाइन को नहीं करते, डैश लाइन को फिर से कर लेते हैं एक बार फटाफट। ये हो गया, डैश लाइन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मे बी, है ना। तो डैश लाइन को नहीं करते, अरे फिर सेलेक्ट हो गया भाई, तो बहुत कंजट काम है। मैं ना एक काम करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए अब ज्वाइन करके देखते हैं, सेलेक्ट कर लिया है JOIN, अब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना इतना हुआ है, जितना जितना हुआ है उतना ले जाएंगे, ठीक है। बाहर इसको करो कॉपी, इतना हुआ है सेलेक्ट, जितना भी आपका वॉल दिख रहा है ना सबको कॉपी करना है, ठीक है। ये हो गया, इसको भी ले जाते हैं,
इसको पहले ज्वाइन कर देता हूँ मैं। ट्रिम, इसको ट्रिम कर देता हूँ। लाइन सीध में था ना लाइन, ठीक है। आप सेलेक्ट करो सिंगल और ये भी, ठीक है। इसको आगे देखते हैं आप, इसको भी ज्वाइन कर रहा हूँ। ऊपर वाला अपने वॉल ज्वाइन किया था, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, है ना। जितना होगा ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन होता है, कहीं ना कहीं ब्रेक है मेरा ड्राइंग, ब्रेक नहीं रहेगा ना तो एक बार में ज्वाइन हो जाता है। JOIN ज्वाइन, ठीक है। ये भी यहाँ से कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे कुछ। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट है ना, इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा था। तो ऐसा ना छोटा छोटा पॉइंट रहता है, उसको आप एक्सटेंड कर दो, ठीक है। अब इसको पकड़ो और ये वाला पॉइंट अब ज्वाइन करो, JOIN ज्वाइन, ठीक है। अब देखो एक साथ पूरा का पूरा वॉल ज्वाइन हो गया ये वाला, है ना। तो वैसे ही ना इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को ढूंढने में टाइम लग जाएगा। तो अपन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। सब कॉपी चल रहा है मेरे को, कॉपी हो गया वॉल, सिर्फ वॉल ना। कॉपी, एंटर, बस थोड़ा ऑर्थो ऑन करके साइड में कॉपी कर दो। अच्छा, 3 मीटर 2 मीटर वाला भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक कॉपी कर दिया, डिलीट, ठीक है। तो ये हमको हमारा ये जो वॉल दिख रहा है आप लोग को, ये एक प्रकार का क्या है, एक प्लिंथ बीम प्लान है, ठीक है। एक प्रकार क्या है, ये प्लिंथ बीम प्लान है। तो इस प्लान में हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये डोर वोर का सबको मैं अपने को जोड़ना है ना। डोर वोर वाला पोर्शन क्या रहेगा, सब कनेक्ट रहेगा दूसरे से। फाउंडेशन प्लान तभी तो बोलेंगे अपन, है ना। तो डोर प्लान तो इसमें दिख जाएगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा इंजीनियर रहेगा। हमको भी क्या बनाना है, ये प्लिंथ बीम प्लान हो जाएगा, है ना। जो वॉल दिख रहा है वो क्या रहेगा, इसका प्लिंथ बीम प्लान रहेगा। उसके लिए इस वॉल को पूरा खींचते हैं ऊपर तक का। तो पहले तो वो इस पॉइंट को डिलीट करना पड़ेगा, ये जो छोटा छोटा है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब एडिट करना सीखो धीरे धीरे करके, सब हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ज़्यादा ही हो गया, नॉर्मली भी कर सकते थे, बट मैं बता रहा हूँ कि एक बार इसको ज्वाइन कर दोगे ना, जैसे पहले था हमारा, पहले मैं कॉपी करना भूल गया था इसलिए अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं आता। इसको और ये बाकी है, ठीक। इतना हो गया, अब इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब बस जितना भी पॉइंट है सबको एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड का शॉर्टकट की बताया था आप लोगों को, बस एक्सटेंड करना है, ब्लू पॉइंट पकड़ना है, नीचे खींचना है, ठीक है। जल्दी जल्दी ये वाला पॉइंट नीचे ले आओ, सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। ये हो गया, ऐसे ही सबको अपने को पूरा वॉल ड्रॉ करना है फाउंडेशन प्लान के लिए। तो पूरा वॉल ड्रॉ करेंगे, इसको कनेक्ट कर दो यहाँ से, ठीक मजा आएगा जब आप लोग करोगे ना, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ना प्रैक्टिस करना, सिस्टम है तो डाउनलोड करो ऑटोकैड और प्रैक्टिस करो, क्योंकि तो ये गेम टाइप का है। जैसा गेम खेलते हो ना वैसा आपको महसूस होगा जब ये काम करोगे तो, है ना। गेम से भी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इसमें नया नया टास्क रहता है हर बार, वो टास्क आपको कंप्लीट करना है, गेम ही समझो एक प्रकार का, ठीक है। ज्वाइन एक्सटेंड कर रहे हैं अभी हम लोग, एक्सटेंड हो गया सभी, स्केप करके देखो, हाँ हो गया, ठीक है। अब जैसे कि आपको दिख रहा है हमारा एक प्लेन बीम प्लान यहाँ पे रेडी है, एक ये छोटा है, इसको भी कर देते हैं ट्रिम, बढ़िया। इसको जोड़ दो ऊपर, जुड़ गया, जुड़ गया, ठीक है।
हो गया, स्केप दबा दो तो एग्जिट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आपका क्या, एक प्लिंथ बीम प्लान हो गया। आपको पता है फाउंडेशन के बाद अपन क्या करते हैं, प्लिंथ बीम चलाते हैं, है ना, जहाँ पे अपन डीपीसी वीपीसी करते हैं। तो वो चीज़ आपको कौन सा पूछना है, आपका प्लिंथ बीम है। तो फाउंडेशन के बाद आपका प्लिंथ बीम खड़ा होता है, फिर प्लिंथ बीम के बाद आपका वॉल खड़ा होता है ना, यही होता है सिंपल आपका कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो साइट पर पहले अपन क्या करेंगे, प्लिंथ बीम का आपका क्या बन गया, प्लान बन गया है, वो तो समझ ही जाएंगे। फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसमें कॉलम प्लान करते हैं, ठीक है। जितने भी कॉर्नर्स हैं आपके वहाँ पर क्या रहेगा, कॉलम रहेगा। तो कॉलम कैसे बता सकते हैं कितने बाई कितने का लगेगा, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है आपका, है स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर है। स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर से आप अपने बिल्डिंग में कितने एमएम का कितना कितने साइज का आपका कॉलम लगने वाला है, बीम लगने वाला है, वो सारी चीज़ बता देते हैं, ठीक है। अगर टाइम रहेगा तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो स्टैट प्रो एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं, है ना। उसमें आपको छड़ भी बता देगा, छड़ कितने एमएम के लगते हैं, कितना कितना क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट लगेगा, कितने एमएम साइज़ का आपका बार है, बीम का साइज़ बता देगा, लेंथ इन टू विड्थ बता देगा, सब चीज़ वो करके दे देगा। इतना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वो चीज़ हो चल जाएगा पता। तो अभी जैसे कि भी मैं अभी आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ये 300 आपका 0.3 मीटर का वॉल था, तो अपन क्या करते हैं 300 बाई 300 का कॉलम ले लेते हैं, मतलब 300 mm और 300 mm का आपका कॉलम आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी आपका मीटर में सेट होगा, तो कितने में ले लेंगे अपन इसको, 30 सेंटीमीटर या 0.3 mm ले लोगे, है ना, 0.3 मीटर हो जाएगा। तो सिंपल एक काम करो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देते हैं, ठीक है, शॉर्टकट से फटाफट। एक क्या करेगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दो, ये कॉलम का पोर्शन हो गया, है ना। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, बाद में काम आ सकता है ना। कॉपी कर लिए, कॉपी कर लो, अब इसको सॉलिड करो। कॉलम ऐसा थोड़ी दिखता है, कॉलम कैसा रहता है, पूरा सॉलिड रहता है। तो SOLID सॉलिड, और क्या करना है अपने को सॉलिड में, एक मिनट, सॉलिड SOLID सॉलिड। सॉलिड में हमको क्या करना रहता है, उल्टा थ्रेड बनाना होता है। उल्टा थ्रेड बनाते हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये कॉलम का आ गया एक तो बॉक्स, ऐसे ही सबको कॉपी करके वहाँ पे सबके पास रख देते हैं, है ना, कॉपी। और ये कॉर्नर पकड़ते हैं, और तो बंद कर देता हूँ, फटाफट होगा, है ना। एक ये कॉर्नर पर रख देते हैं, ठीक है, और एक इस कॉर्नर पे, कॉर्नर पे करूँगा मैं, क्योंकि अभी वो वाला पॉइंट नहीं पकड़ा हूँ कि मैं वहाँ पे पेश कर पाऊँगा, तो इसको वहीं पर रख देता हूँ पास पास में, ताकि मैं बाद में उसको सही से रख सकूँ, ठीक है। एक यहाँ पे आएगा, कर लेंगे, सब एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे आएगा, ये सीढ़ी का है, यहाँ पे मैं उसको एडजस्ट करूँगा, देखना बस आप अभी कैसे कैसे करेंगे, है ना। अभी मैं शॉर्टकट बस ऐसे अभी वहाँ वहाँ पे रखते जा रहा हूँ, मैं कॉपी करके रख रहा हूँ, उसको सही से एडजस्ट करूँगा अभी, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सर कहीं भी कर दे रहे हैं, अभी उसको सही तरीके से बैठाएंगे, है ना, अच्छे से बैठा के खाना वाना खिलाएंगे इसको अच्छे से, ठीक है। इसको रख देते हैं यहाँ पे, इतना हो गया। अब जो जो मिसप्लेस है उसे प्लेस करते हैं, जैसे कि इसको मूव करो, मिड पॉइंट पकड़ो और यहाँ पे बीच में लगा दो, ये हो गया प्लेस में। इसको पकड़ते हैं, मूव करेंगे, सेंटर पॉइंट पकड़ो इसका, ठीक है। सेंटर पॉइंट कैसे निकालोगे, यहाँ से आओ और फिर यहाँ से वो सेंटर बता देगा आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको सेट कर दो, ठीक है। इसके बाद ये वाला पॉइंट को मूव, नीचे का मिड पॉइंट और यहाँ पे इसको लगा दीजिए, ठीक है। ऐसा ऐसा बस करना है अपने को, जल्दी जल्दी फटाफट। मूव हो गया, मूव क्या हो गया, मूव, मूव कमांड लगाएं, MOVE मूव कॉर्नर, ये कॉर्नर, ठीक है, ये मूव करो। अरे अरे सॉलिड पोर्शन बस आ रहा है, पूरा चाहिए ना अपने को। मूव जस्ट नीचे ले आओ और एक यहाँ पे रख दो, ठीक है। और क्या करते हैं, इसको करते हैं मूव, ये कॉर्नर पकड़ो और यहाँ पे पेश करो, ठीक है। इसको भी करते हैं मूव, मेरे साथ साथ करते रहोगे तो अच्छी बात है ना, तुम लोगों को भी टाइम बचेगा, पुश कर कर करके सीख सकते हो, है ना। जिनके पास सिस्टम है, जिनके पास नहीं है वो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बाद में सीख लेंगे जो सिस्टम रहेगा। तो अभी बस समझो इस चीज़ को कैसे कैसे कर रहे हैं। मूव कॉर्नर पॉइंट और इस कॉर्नर पे छोड़ दो, ठीक है। और क्या बाकी है, और बाकी है,
डबल काम हो जा रहा है, कोई बात नहीं, एक एक करके सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये आपका फाउंडेशन कॉलम प्लान बन गया है ना। अभी इसको क्या बोल रहे हैं अपन, कॉलम, जितना भी कॉलम का लोकेशन है वो अपन यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, है ना। ये क्या डिनोट कर रहे हैं, जो ब्लैक ब्लैक पॉइंट है वो क्या डिनोट कर रहा है, आपका कॉलम डिनोट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो स्टेयरकेस वाला पार्ट है, यहाँ पे बीम जो वो बीम बनेगा बहुत लॉन्ग बनेगा, तो अपन बीच में भी एक और कॉलम दे सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम दे देते हैं बीच में मिड पॉइंट पे, इसको कॉपी करो और मिड में डाल देते हैं, है ना। इसका मिड पकड़ते हैं और इसका कुछ मिड होगा, ये मिड में छोड़ दो, है ना। तो ये क्या हो गया आपका लॉन्ग बीम में, आपका दो वॉल आ गया यहाँ पे। ठीक है, और एक जस्ट यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी का एक, यहाँ पे क्या है सीढ़ी का स्टेयर केस का एक वॉल रहेगा, बीम रहेगा। मैं बीम बना देता हूँ पहले यहाँ पे। ठीक है, मूव, नहीं नहीं कॉपी करना था, कॉपी CO, कॉपी एंटर, और थोन लेते हैं स्टडी आएंगे। ठीक है, आप पतला पतला कॉलम भी दे सकते हो, पतला कॉलम, लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग कॉलम का साइज सेम ही रखते हैं और आपका जो क्या बोलते हैं जो पार्टीशन वॉल है, पार्टीशन वॉल से ना एक्स्ट्रा कॉलम आपका दिखता हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं मिनिमाइज करते हैं, हम लोग पार्टीशन वॉल ना कम ही कम देते हैं। लेकिन जो आप लोग बिल्डर बिल्डर जो रहते हैं वो पैसा बचाने के लिए, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं, आपका सिंगल वॉल दे देते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं पार्टीशन वॉल बोलते हैं। तो इससे पैसा तो बचता है, लेकिन वहाँ पे क्या आता है, एक जो आपका पर्सपेक्टिव रहता था, आपने पढ़ा था जब अपन प्लानिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग पढ़ रहे थे, सिंपल से थ्योरेटिकल पार्ट चैप्टर वन में, उसमें पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट था, तो दिखने में ख़राब दिखता है। ठीक है, जो कॉर्नर्स होते हैं वो दिखने में ख़राब दिखते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं पार्टीशन वॉल नहीं देते हैं, आपका कॉलम वॉल के अंदर छुप जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन पार्टीशन वॉल दिए थे तो दे ही देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार का क्या बन गया यहाँ पे, फाउंडेशन प्लान बन, कॉलम प्लान बना है, फाउंडेशन प्लान अभी नहीं बनाया है। तो इतना बनने के बाद अपन क्या करेंगे, पूरा डायमेंशन कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा विड्थ कितना रहेगा आपका, देखते हैं डायमेंशन करके। पहले डायमेंशन करो, डिम डालो, डायमेंशन कॉर्नर से कॉर्नर, अब देखो बहुत बड़ा दिखा रहा है ना, उसको ठीक करना पड़ेगा अपने को। कैसे ठीक करेंगे, कल अपन ठीक करना सीखे ना इस चीज़ को, थोड़ा छोटा करना है मेरे को, तो इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ, है ना, इसको डिलीट कर देते हैं। एरो की साइज़ बढ़ानी है मेरे को, और एरो की साइज़ बढ़ाएंगे और टैश की साइज़ थोड़ा कम करना है, तो उसके लिए अपने को जो कमांड है कल देखे थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एरो के लिए क्या साइन था आपका, एरो के लिए हमारे पास AZ था, डिम AZ, तो डिम पहले कमांड डाल लेते हैं, डायमेंशन कमांड डाल लेते हैं। डायमेंशन कमांड में लिखेंगे नीचे में डिम DIM AZ, डिम AZ। साइज़ कितनी है अभी इसकी, 0.18 है, थोड़ा मेरे को बड़ा करना है एरो, तो 0.25 कर देते हैं। ठीक है, 0.25 कर दिए, जो डिम तो हो गया। इसके बाद क्या क्या बड़ा करना था, छोटा करना था मेरे को, डिम टेक्स्ट, टेक्स्ट जो था वो बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहा था, तो अपन जाएंगे डिम TXT। ठीक है, टेक्स्ट हो गया, एंटर, डिम TEXT लिख डाला क्या, सॉरी डिम TXT होगा बस, TXT। ठीक है, डिम टेक्स्ट हो गया, 0.8 है, बहुत बड़ा दिख रहा था अपने को, तो इसको क्या करते हैं अपन 0.1 कर देते हैं। ठीक है, एंटर, अब करके देखते हैं। ठीक है, अब हो गया, अब करके देखते हैं एक कॉलम से, कॉलम का डिस्टेंस अभी भी बहुत बड़ा दिख रहा है, लग रहा है मेरे को टेस्ट का साइज़, है ना। टेस्ट का स्केल बदल के देखते हैं फिर से। ठीक है, तो आगे देखते हैं डायमेंशन का, टेस्ट को ठीक करता हूँ मैं अभी, जैसे कि इससे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। डिम में जाएंगे, डिम टेक्स्ट लगाएंगे, डिम TXT, और साइज़ है 0.25, तो 0.25 रहने देते हैं, जो था है वो 0.18 था, मैं 0.25 कर चुका हूँ, इसको एंटर दबाओ, और डिम AZ, एरो की साइज़ बड़ी करनी है थोड़ी, एरो की साइज़ भी 0.25 कर देते हैं, 25, एंटर, और एंटर, डिम कमांड डालिए और इस बार अप्लाई करके देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं। ठीक है, फ़र्क पड़ गया, देखो एरो की साइज़ भी बढ़ गई और आपकी
टैश की साइज़ भी यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, तो फिर से मैं डायमेंशन करके दिखा रहा हूँ आपको। अब प्रॉपर सही तरीके से डायमेंशन करते हैं, इसके पहले डायमेंशन लाइन को रेड करेंगे अपन। डायमेंशन लाइन जो है उसे अपन रेड करेंगे, ठीक है। डायमेंशन लाइन को रेड होना चाहिए, रेड करते हैं। रेड कैसे करेंगे, डिम कमांड डालिए और डिम CLRE, ठीक है। ई फॉर एक्सटेंशन लाइन होता है और टी फॉर टेक्स्ट होता था और CLRD, डी फॉर होता था आपका डायमेंशन लाइन, ठीक है। तो डायमेंशन लाइन को करते हैं रेड। नंबर क्या था रेड का, शायद एक ही था, है ना, एक में रेड था, करके देखते हैं। और यहाँ कहीं से भी क्लिक कर दो, हाँ रेड ही है ना, रेड कलर में आ रहा है। और डिम आपका एक्सटेंशन लाइन को भी अपन क्या करते हैं, एक्सटेंशन लाइन को भी रेड कर देते हैं, ठीक है। पूरा डायमेंशन है आपका रेड कलर से लिखा गया, तो डिम TCLRE फॉर एक्सटेंशन लाइन एंड द वैल्यू ऑफ डायमेंशन वेरिएबल इज 1 एंड टेक्स्ट इज ऑल्सो कर देते हैं डिम CLRT, टेक्स्ट करना है तो CLRT आ जाएगा और 1, ठीक है। इतना कर लिए, अब करते हैं फटाफट डायमेंशन का काम करते हैं ख़त्म। ये हो गया कॉलम से कॉलम ले लेते हैं यहाँ तक का, ठीक है। तो ये पूरा आपको इससे जो भी डाटा दिखा रहा है आपको, अभी अपन जो ड्राइंग बनाया था वो मीटर में था इसलिए मीटर में दिखा रहा है, अगर आप MM में ड्रॉ करेंगे तो वो MM में दिखाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फटाफट करते हैं इसको। ये हो गया, इसके बाद डिम इस कॉर्नर से ये कॉर्नर ले लेते हैं, ऐसा आपको कॉर्नर टू कॉर्नर पूरा डिस्टेंस लेना है, ठीक है। कॉर्नर से कॉर्नर पूरा पूरा डिस्टेंस लेना है एकदम सही तरीके से। गलत जगह टिक हो गया है, सही जगह टिक करना है, आराम से करना, धीरे धीरे एक एक कॉर्नर पॉइंट को टच कर करके। DIM डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन कॉर्नर पॉइंट टच करो और कॉर्नर पे छोड़ दो, ठीक है। और कोई सा भी एक पर्टिकुलर हाइट दे दो, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डिम, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर ले लेते हैं, अब इस कॉर्नर से लास्ट कॉर्नर ले लेते हैं। ऐसा आपको पूरा डिटेलिंग करना है, ठीक है। फाउंडेशन प्लान में ऐसा पूरा डिटेलिंग होता है, बहुत ही तरीके से डिटेलिंग होता है ना, हल्के में नहीं होता है, पूरा एकदम खतरनाक डिटेलिंग होता है, पूरा कचड़ा हो जाता है ड्राइंग का मतलब, और कचड़ा करना भी है अपने को, है ना। ऐसा पूरा डिटेलिंग रहेगा, बहुत ही बहुत सारा, ठीक है। ऐसे ही करना डिटेलिंग में सबको, अगर डायमेंशन कमांड एग्जिट हो जाता है ना तो वापस ना आप इस्केप बटन दबाओगे ना तो इस्केप बटन दबाने से आपका डायमेंशन कमांड वापस आ जाएगा, ठीक है। और डेसिमल के बाद 4-0 इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन डेसिमल में 4-0 सेट किए थे, है ना। अब इसको चेंज करना है, 2-0 करना है, तो इसी में है डिम DEC है तो उससे अपना हो जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखाऊं, डिम कमांड डाले और लिखेंगे यहाँ पे एक मिनट, DIM डायमेंशन, फिर आप लिखेंगे क्या बता रहे हैं, हाँ DIM DEC डेसिमल क्लिक किए, यहाँ पे 4 है उसको 2 कर दो, 2 कर दिए। आप करके देखते हैं जितने भी अब लिखने वाले हैं सब में 2-2 आएगा, ठीक है। मैं करके दिखा रहा हूँ, ये देखो 2 वर्ड आ रहे हैं ना, गलत जगह पे कॉलम है, कॉलम सही जगह रखना है ना। इसको करते हैं मूव, ये वाला टच करो, ठीक, अब ठीक है ना। इसको डिलीट करना पड़ेगा फिर तो, डायमेंशन एंटर कॉर्नर से कॉर्नर, ठीक है, ऐसा ही करो। नेक्स्ट और लास्ट, ये हो गया।
ठीक है। तो ये हो गया आपका डैम पूरा कॉलम का, यहाँ पे पूरा ये आ गया आपका डिटेलिंग, ठीक है। पूरा एक एक कॉलम का डिस्टेंस आ गया, कौन कौन सा कॉलम कितने कितने दूरी पे है, यहाँ पे चल जाएगा पता, ठीक है। इसके बाद आपको करना है, अभी तो अपन कॉलम प्लान बना लिए, कॉलम प्लान भी हो गया इसी में, और आपका कौन सा प्लेन बीम भी प्लान इसी में आ जाता है ना, प्लेन बीम प्लान भी इसी में आ जाता है। इसके बाद बनाएंगे अपन क्या, फाउंडेशन प्लान। फाउंडेशन प्लान के लिए आपको फाउंडेशन का साइज पता होगा कि कितना है, यहाँ पे फाउंडेशन का विड्थ पता करना है आपको, विड्थ 1.2 × 1.2 देना है या 0.9 × 0.9 देना है मीटर में, आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरे को डिसाइड करना है यहाँ पे, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 1.2 × 1.2 मीटर का विड्थ रहेगा, मतलब उतनी बड़ी मेरे गड्ढा खुदाएगा, एक्सकेवेट होगा उतना। एक्सकेवेट होने के बाद उसमें आपका ये दिख रहा है 0.3 mm का, 0.3 मीटर और 0.3 मीटर मतलब 30-30 सेंटीमीटर का वहाँ पे लंबाई को चौड़ाई में क्या आएगा आपका कॉलम आएगा, ठीक है। तो वही करते हैं, यहाँ से मैं कॉलम का आउटर लाइन ले लेते हैं, चलो पूरे पकड़ लेते हैं इसको, कॉपी काम आएगा अभी, ठीक है। और इसका अंदर वाला पार्ट डिलीट कर देते हैं, अरे यार इसको हटाओ, रेक्टेंगल लो, आर ई सी रेक्टेंगल, और आर ई सी रेक्टेंगल टच करो कोई सा ये पॉइंट, डायमेंशन में जाओ लिखो 1.2 × 1.2 एंटर। अरे बड़ा बन गया, एक मिनट ना, इसी में कहीं पे होगा, ठीक है। बगल वाले से ले आते हैं, यहाँ पे मैं रखा था इसको, सी कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल भी यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल भी पेस्ट। आप ब्लॉग भी बना सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल भी ये भी कर सकते हो, है ना, सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन करेंगे कॉलम का साइज बनाते हैं, पी लाइन से ले लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। 1.2 मीटर, 1.2 विड्थ है, मतलब 1.2 × 1.2 मतलब 1200 × 1200 गड्ढा खुदाएगा, ठीक है। 1200 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 0.9 0.9 करते हैं ना, सबसे बढ़िया 0.9 मतलब 900 mm का गड्ढा खुदाएगा, 0.9 × 0.9, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दो, क्लोज, यहाँ से एक बार एक क्रॉस लाइन आ जाएगा, अरे यार क्रॉस आ गया, क्लोज हो गया। अब इसके बीच में आपको कॉलम को रखना है, ये वाले कॉलम को रखना है, कैसे रखोगे बीच में, कैसे रखना है, रख पाएंगे अपन इसको, सिंपल इसको यहाँ पे काम करो, इसका सेंटर निकालने के लिए एक लाइन बनाओ लाइन कमांड से, ठीक है, ऐसा खींच दो इसको लाइन, इसके बाद एक लाइन ऐसा खींच देते हैं और एक लाइन ऐसा खींच देते हैं, ठीक है इसको, और इसके बीच में भी एक लाइन खींच दो लाइन, अच्छा इतना काम चल जाएगा, लाइन हो गया। इसके बाद मूव बीच वाले पॉइंट का मिड पॉइंट और इसको मिड में रख दो, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद बाकी रखो डिलीट कर देते हैं, डिलीट है ना, और ये भी डिलीट कर दो, और ये बीच वाली लाइन को ट्रिम मारेंगे, ट्रिम टी आर एंटर एंटर, और ये वाली लाइन को ट्रिम कर दो। तो ऐसे ही होता है हमारा कॉलम, है ना, ऐसा कॉलम होता है। अब इसको सब जगह अपने को फिट करना है, कॉलम भी करना है, सब जगह यहाँ पे फिट करना है, करें फिट यहाँ पे, तो करके देखते हैं, कॉपी करो सबको, कॉपी ज्वाइन करके देखते हैं, ज्वाइन हो रहा है कि नहीं, ज्वाइन कुछ ज्वाइन हो पाया, ज्वाइन नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस ऐसे जो ज्वाइन नहीं हो पाता है ना, उसको अपन ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक बनाओगे तो सबके सब जुड़ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक का। तो जितना भी हम कॉलम बनाए थे, कॉलम के पास इसको सही तरीके से बैठाना है, ठीक है। तो बैठाने के लिए अपन करेंगे कॉपी और इसका मिड पॉइंट देखते हैं, और यहाँ से आ जाओ, ये क्रॉस आ गया, मिड आ गया इसका, सब जगह जितने भी आपके फाउंडेशन थे उसके मिड में इसको रखते जाओ, ठीक है। पहले ऑर्थो तो बंद कर देते हैं, ऑर्थो में प्रॉब्लम आता है नहीं तो बार बार, ठीक है। अभी इसको मैं ऐसे ही करो नॉर्मली, नहीं, इसको मत पकड़ो, मिड पॉइंट नहीं पकड़ दें, इसका मिड पॉइंट पकड़ो, मो ये वाला मिड पॉइंट, ऊपर वाला मिड पॉइंट पकड़ो, ठीक है, सही जगह सेट होगा एकदम बिल्कुल, इसके सब के मिड पॉइंट पे इसको रखते जाओ। अच्छा मूव हो गया क्या, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल जेड कॉपी, ऊपर का मिड पॉइंट और फटाफट सब जगह टच करते जाओ मिड मिड पॉइंट पे, ठीक है, मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड जूम करके करना,
जूम करके करोगे तो एकदम परफेक्ट होगा, है ना। मैं ऊपर से ही कर रहा हूँ फटाफट, आप भी कर सकते हो करना चाहते हो तो। मिड पॉइंट दिखना चाहिए, मिड कहाँ पे आ रहा है, मिड नोटेशन पता है ना मिड क्या होता है। नहीं आ रहा होगा ना मिड पॉइंट, तो आप ओ एस स्नैप होता है, ऑब्जेक्ट स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप से आप मिड पॉइंट के ऑप्शन को ऑन कर सकते हो, उसके बाद मिड पॉइंट शो होगा, है ना। यहाँ पे मिड पॉइंट कहाँ गया, यहाँ मिड पॉइंट नहीं दिखता ना, तो क्या करना है एकदम ही जूम कर देना, यही मिड पॉइंट है, ट्राइंगल दिखता है मिड पॉइंट पे ना, याद रखना। ये हो गया मिड पॉइंट, हो गया सारे कॉलम, सारे फाउंडेशन हो गए, वेरी गुड, बढ़िया, एकदम मस्त दिख रहा है ना, फुल फाउंडेशन प्लान लग रहा है अभी तगड़ा। तो इतना हो गया फाउंडेशन प्लान, हो गया ये फाउंडेशन प्लान कंप्लीट हमारा, ठीक है। फाउंडेशन का डिटेल दे देते हैं, फाउंडेशन कितना था, डायमेंशन कर दो, डायमेंशन कर देते हैं यहाँ पे 0.3 × 0.3 का होता है, DIM कोई सा एक कर देते हैं, बाकी तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। 0.9 का था ना, ये हो गया 0.9, और एक और कर दो यहाँ से, ताकि लेबर को गड्ढा खोदने में, एक्सकेवेट करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, सही तरीके से नाप लेंगे। ये हो गया आपका फाउंडेशन प्लान, ठीक है, ऑल डायमेंशन इन मीटर नीचे लिख देंगे, ठीक है। रूम साइज़, तो रूम साइज़ तो इसमें लिखाएगा, प्लान में लिखा जाएगा, है ना। रूम साइज़ कहाँ लिखा जाएगा, आपके प्लान में रहेगा, ठीक है, आपके जो बिल्डिंग प्लान रहता है इसमें रूम साइज़ है। बाकी कॉलम साइज़ अपन बता देते हैं, कॉलम साइज़ भी यहाँ पे देख लेते हैं, ये है ना हमारा, ठीक है। तो और कॉलम साइज़ के लिए, कॉलम साइज़ तो बता देते हैं, कॉलम साइज़ भी, ठीक है। और एक चीज़ है, एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, जैसे कि नंबरिंग कैसे करते हैं, कॉलम जो फाउंडेशन दिख रहा है आप लोगों, इसको आप नंबरिंग कैसा करोगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, सोचो समझो, ठीक है। 1, 2, 3 इसको कैसे बोलें, ABC कैसे बोलेंगे, तो वही नंबरिंग करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, कि आप नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नंबरिंग ऐसे करेंगे, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ यहाँ से, लाइन को ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। अभी फिर बस समझना, लाइन को ऐसे ऊपर ले गया, ठीक है, और यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, सर्कल, ये सर्कल बना लिए, इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ, सर्कल को यहाँ पे ले जाओ, ठीक है, और इसके अंदर लिखो क्या, 1, ठीक है। इसमें लिखेंगे 1, इसमें लिखेंगे 2, इसमें लिखेंगे 3, ठीक है। तो 1, 2, 3 करते हैं यहाँ पे, DT कमांड फॉर टेक्स्ट, ठीक है। हाइट वहीं पर डिसाइड कर लेते हैं DT, और हाइट यहीं पे देख लेते हैं कितना हाइट अच्छा रहेगा हमारे लिए, कितना हाइट पर्याप्त है, और एंगल रहेगा 0, ठीक है। लिखो 1, आ गया 1, एंटर एंटर, ये हो गया 1 वाला पोर्शन, बस कॉपी करो इसको, कॉपी, और कहाँ से कॉपी किए थे इसको, हाँ यहाँ से किए थे, कहीं भी टच कर सकते हो। एक काम करते हैं, इसको ना फाउंडेशन के यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। अब करेंगे कॉपी, कॉपी, और इसको करो सब में पेस्ट, ठीक है। नंबरिंग करना सिखा रहा हूँ, कैसे गिनते हैं कॉलम को, है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है अभी। कॉलम हो गया ये पोर्शन, इसके बाद इसको यहाँ पे कॉपी करो, और इसको रोटेट मारो, रोटेट, एंटर एंटर, ठीक है। फिर कॉपी करो, कॉपी, इसको एंड पॉइंट पकड़ो और यहाँ पर रखते जाओ, और सब बंद कर रहा हूँ फटाफट काम करने के लिए, ठीक है। ये रख दिए, और इसके मिड में रख दिए, इसके मिड में हो गया, और इसके मिड में हो गया, और इसके मिड में हो गया, ठीक है। अब मैं जितने भी इसमें नंबर थे उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको अपन एडिट कर देते हैं, जैसे ये पहला 1 तो हो चुका है, इसको 2 करो, एंटर एंटर, हो गया एंटर एक बार, इसको डबल क्लिक मारोगे ना तो एडिट आएगा, 3 एंटर, ठीक है, ये हो गया 3। इसके बाद नीचे से ABCD करना, यहाँ से क्या करेंगे, DT लिखो, DT, और हाइट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, हाइट ऑफ टेक्स्ट, अच्छा जितना था उतना ही कर देते हैं, एंटर, डिग्री 0, ठीक है। और लिखोगे यहाँ पे A, कैपिटल लिखना, ए कैपिटल में ए लिखेंगे, सही से प्लेस करते हैं इसको, मूव, ठीक है, ये प्लेस कर दिए, बाकी जगह कॉपी करो, फिर फटाफट काम हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी करूँगा उसको मैं, है ना, कॉपी करो, फिर फटाफट एडिट हो जाएगा,
से करना बिल्कुल ध्यान से, ऐसा नंबरिंग कर दें। आप कॉलम प्लान देखोगे ना, आपका फाउंडेशन प्लान ऐसा ही रहता है, ठीक है। अब इसको ए हो गया, इसको बी करो, बी एंटर, बस डबल क्लिक करोगे ना टेक्स्ट में, डबल क्लिक करोगे तो आ जाएगा, ठीक है सर। डबल क्लिक किया मैं तो इसमें एडिट ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। डबल क्लिक करो और ए बी सी एंटर, और ये वाला डी है, ठीक है, डी एंटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ए बी सी डी, और ये लास्ट ई बच रहा है ना, ई एंटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉलम का नंबरिंग, कॉलम और फाउंडेशन का। जैसे कि आप इसको कैसे गिनेंगे, ये देखो यहाँ पे, जैसे ये वाला फाउंडेशन है, ठीक है, ये वाला फाउंडेशन, इसका नंबरिंग क्या है, ये वन वाले पार्ट में है। किस वाले पार्ट पे है ये, वन वाले पार्ट में है। मैं इसको जूम कर देता हूँ अच्छे से पहले, जूम, ताकि आपको दिखे। इसको पहले ऊपर कर देता हूँ मैं, और अच्छे दिखेगा फिर, ठीक है। पढ़ना सिखा रहा हूँ, कैसे पढ़ सकते हैं इसको अपन। करते हैं जूम इसको अच्छे से, ये जूम हो गया, ठीक है, और जूम कर देते हैं, अभी और बड़ा हो गया स्क्रीन तो, और ये हो गया जूम, ठीक है। तो ये वाली कॉलम है जी, ये वाली कॉलम है, ठीक है, जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसका नंबर क्या हो गया, E1 हो गया। क्या काम, क्या नंबर हो गया इसका, E1। इस वाले के सेकंड वाले का नंबर क्या हो गया, E2। थर्ड वाले का नंबर क्या हो गया, E3, है ना। इस प्रकार से अपन कॉलम का नंबरिंग कर सकते हैं। ये वाली लाइन का भी आप यहाँ पे आप एक डाल सकते हो अलग से, मूव करेंगे इसको मूव, ठीक है, और इसको यहाँ पे रख दो, यहाँ पे इस वाले इसके अलाइनमेंट में रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसका नंबर दे देंगे आपको, क्या कर देंगे अपन, ई तो हो गया, ऊपर वाले इसको कॉपी कर देते हैं, कॉपी, और मतलब जितने भी आप कॉलम वॉलम है सबको आप ऐसा नंबरिंग कर सकते हो, है ना। ऐसा नंबरिंग करेंगे तो नंबर से अपना कॉलम बनता है ना। ये हो गया एफ, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन है आपका। वैसे ही ये वाले कॉलम का नाम क्या हो जाएगा, फाउंडेशन और कॉलम का नाम क्या हो जाएगा, D1। क्या नाम हो जाएगा, D1। और वैसे ही यहाँ पे D2, देखो ये लाइन एक और जा रही है, तो यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं हम लोग भी, ठीक है, ये दे दो यहाँ पे, मूव करो इसको, और इसको इसके अलाइनमेंट में रख देते हैं, ठीक है, इसके अलाइनमेंट में रख दो स्ट्रेट, और यहाँ पे रख दीजिए, नाम दे दो उसको कुछ भी, ठीक है, उसको मूव करो ऐसा, पहले ध्यान देना सही तरीके से, ठीक है। सबका नंबर ऐसा करेंगे, इसको कॉपी कर देते हैं, कॉपी, लास्ट वाले में छोड़ दो, ठीक है, और ये नंबर को चेंज कर देते हैं, नंबर क्या रहेगा इसका, 4, ठीक है, ये हो गया 4। अब जैसे कि ये वाले कॉलम का नाम क्या हो जाएगा, D2, ठीक है। इसके उसके बगल वाले कॉलम का जिसमें सेलेक्ट करो, नाम बताओ इसका, इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या है, इस वाले कॉलम का नाम क्या है, डी, डी वाले पोर्शन पे है, डी इसका एक्स एक्सिस है और वाई इसका 3 है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, D3। ऐसा हमको क्या करना है, पूरे कॉलम का नेमिंग करना है, बस ये आप दे दोगे ना 1 2 3 4, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, बहुत बढ़िया सा, आप ऐसा प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है, और पूरा ऐसा डिटेल में बना सकते हैं, ठीक है। कॉपी छूट गया था ये भी, कोई बात नहीं, ले आते हैं, ठीक कर लेंगे, कॉपी यहाँ रख दो, इसके बाद ये नंबर है 5, एंटर, ठीक है। तो वैसे ही इस नंबर, इस वाले कॉलम का क्या नाम हो जाएगा, D5, और लास्ट वाले का नंबर D4 हो गया, और ये लास्ट वाले कॉलम का नंबर क्या हो गया, कॉलम फाउंडेशन का नंबर क्या हो गया, D5, ठीक है। तो ऐसा हमको पूरा नेमिंग करना है। ये वाले कॉलम का नाम क्या हो जाएगा बताओ कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके बताओ ये वाले कॉलम का नाम क्या हो जाएगा। देखो देखो देखो, स्पीड C1 है ना, C वाले लाइन पे है, C वाले लाइन पे है ऑलमोस्ट, और ये आपका कौन सा नंबर का है, 1, तो C1 हो गया। तो ऐसा हमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कॉलम बनाते हो ना, तो कॉलम बनाते हैं और फाउंडेशन बनाते हैं, तो उस टाइम उसका नंबरिंग करते हैं, उसका कास्टिंग नंबर लिख देंगे, उसका कॉलम का नाम लिखेंगे कि C1 है कि D1 है कि आपका B1 है, कुछ भी नाम लिखेंगे, और उसका कास्टिंग डेट लिखना है, ठीक है, कौन से डेट पर कास्ट हुआ है, तो ये सब हम लोग करना है, तो ये सब आपका नेमिंग रहेगा। तो आप देख सकते हैं फाउंडेशन प्लान ऐसा बनेगा, और आपको ऐसा बनाना है और मेरे को दिखाना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा दिख रहा है कि नहीं फाउंडेशन प्लान, फाउंडेशन प्लान का ऐसा फुल डिटेलिंग करना है सही तरीके से, क्लियर यहाँ तक का। और जो भी डाटा वाटा है, आप जो भी यूनिट सेट करोगे उसमें वो आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, इंच फीट में करो तो इंच फीट में आ जाएगा। मैक्सिमम इसको MM में लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है इसको, MM में, ठीक है, मैक्सिमम इसको MM में लिखते हैं, तो आप भी हो सके तो MM में लिखना तो अच्छी रहेगा, अपन भी MM में और लिख लेंगे, जब भी अपन नेक्स्ट ड्राइंग बनाएंगे किसी का फाउंडेशन प्लान, तब अपन MM में कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फाउंडेशन प्लान, ठीक है, तो आज के लिए तय करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और आगे देखेंगे क्या
और आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। सेक्शन बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, सेक्शन के लिए अपने को एक कमांड की ज़रूरत पड़ेगी, वो कमांड अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लियर है। चलिए ओके, थैंक यू।